धम्म पद भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह धम्म पद इसे मानवता की दिग्दर्शिका गाइड टू द ह्यूमैनिटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का अंग है। इसमें 26 वग अर्थात वर्ग अथवा अध्याय हैं जिनमें कुल 423 गाथाएं हैं। गाथा का शाब्दिक अर्थ होता है गेय पद अर्थात वे पद जिनका संगायन किया जा सके। धम्म पद की प्रत्येक गाथा गेय है। यह दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। यह है तो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, है तो एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन वास्तव में यह मानवता की निधि है, दुनिया की धरोहर है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कहना है, पाली ग्रंथ धम्म पद मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से ये पद्यों का अत्यधिक रोचक संग्रह है जो बौद्ध विचारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। धम्म पद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान अल्बर्ट जे एडमंड कहते हैं, यदि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है, बौद्ध धर्म का यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं का अनुपम संग्रह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वह धम्म पद में ही देखने को मिलेगा। धम्म जगत के सुविख्यात आचार्य डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन कहते हैं, और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथ बनाने की यदि कभी आपकी इच्छा हुई तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्म पद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना कठिन है। दुनिया के विद्वान इस ग्रंथ का गुणगान करते हैं। बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि बौद्ध देशों में आज भी धम्म पद के अखंड पाठ की परंपरा जीवित है। श्रीलंका में धम्म पद के पारायण के बिना भिक्खु की उपसंपदा नहीं होती। कई बौद्ध देशों में भिक्खु संघ को संपूर्ण धम्म पद कंठस्थ कराया जाता है। आज भी धम्म पद की 423 गाथाएं 26 वग में संकलित हैं। ये गाथाएं न केवल धम्म का सार हैं, बल्कि धम्म की दृष्टि से कई शब्दों को भी उनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराती हैं, जैसे ब्राह्मण, पंडित, आर्य इत्यादि। भगवान बुद्ध की देशनाओं के अनुसार ये गुणवाचक संज्ञाएं हैं, न कि जातिवाचक अथवा नस्लवादी उपमाएं। राजेश चंद्रा और भास्कर सालवे कमलवीर की जुगलबंदी में प्रस्तुत है संपूर्ण धम्म पद का सस्वर सानुवाद संगायन। इस संगायन को कल्याण थाट के राग यमन और भूपाली में स्वर दिया है भास्कर सालवे कमलवीर और अनुवाद को स्वर दिया है राजेश चंद्रा ने। इस संगायन को सुनना भी पुण्यकारक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद
यमकवग्गो मनो पुबंगमाधम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं ववहतो पदं। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं उपनयन्ति वेरं ते संन सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं न उपनयन्ति वेरं ते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनन्तनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एष धम्मो सनन्तनो, यही सनातन धर्म है। परे च न विजानन्ति मयमेथ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंतं भोजनं हि अमत्तयु कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं वदुबलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंतं भोजनं मी च मत्तयु सद्धं आरद्धवीर्यं तं वे न पसहति मारो वातो सेलं वपबतं। जो अशुभ को देखते हुए विहार करते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान
और उद्योगी है, उसे मार वैसे ही हिला नहीं सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सती अपेतो दमसच्चेन नसो कासाव मरहति। जो मन को निर्मल किए बिना काषाय वस्त्रों को धारण करता है, सत्य और इंद्रिय दमन से रहित वो व्यक्ति काषाय वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यो चवंतकसावस्स शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासाव मरहति। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वो व्यक्ति ही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। यथागारं दुच्छन्नं उठी समति विज्ञति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्ञति। यदि घर की छत में छेद हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी आ जाता है, ऐसे ही संयम रहित चित्त में राग प्रविष्ट हो जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उठीन समति विज्ञति एवं सुभावितं चित्तं रागोन समति विज्ञति। यदि घर की छत छेद रहित हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता, उसी प्रकार संयमित चित्त में राग प्रविष्ट नहीं होता। इध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्म किलिठ मत्तनो। पापी मनुष्य उभय लोक में शोक करता है, यहाँ भी और वहाँ भी, अपने दूषित कर्मों को देखकर शोक करता है, फल पाकर और भी पीड़ित होता है। इध मोदति पेच मोदति कतपुयो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। पुण्यकर्मी उभय लोक में मुदित होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, विशुद्ध कर्मों को करते समय मुदित होता है, उसके फल पाकर और भी मुदित होता है। इध तपति पेच तपति पापकारी उभयत्थ तपति पापं मे कतंति तपति भीयो तपति दुग्गतिंगतो। यहाँ भी संतप्त होता है, वहाँ भी संतप्त होता है, पाप कर्मी उभय लोकों में संतप्त होता है। मैंने पाप किया है ये सोच कर संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। इधनंदति पेचनंदति कतपुयो उभयत्थनंदति पुयं मे कतंति नंदति भीयो नंदति सुगतिंगतो। यहाँ भी आनंदित होता है, वहाँ भी आनंदित होता है, पुण्यकर्ता उभय लोक में आनंदित होता है। मैंने पुण्य कर्म किए हैं ये सोच कर आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो
गोपोव गावो गणयं परेशं न भागवासामयस्स होति। धम्म संहिताओं का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमादवश उसके अनुसार आचरण न करे तो बस गाय गिनने वाले गोपालक की तरह वो श्रवणत्व का भागीदार नहीं होता। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी, रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो अनुपादियानो इधवाहुरं वा सभागवा सामयस्स होति। धम्म संहिताओं का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन जो राग द्वेष मोह रहित व्यक्ति धम्म अनुसार आचरण करता है, ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोकों के भोगों की ओर न भागने वाला धम्मचारी ही श्रवणत्व का भागीदार होता है। अपमाद वग्गो। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमियन्ति ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान है। एतं विशेषतो यत्वा अप्पमादं हि पंडिता अप्पमादे पमोदन्ति अर्यानं गोचरेरता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ते झाइनो साततिका निचं दृढ़ परक्कमा खुसंति धीरा निबानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले वीर जन अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो संयतस्स च धम्मजीविनो अप्पमत्तस्स यशो भिवंडति। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धम्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। उत्थानेन अप्पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। पमाद मनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेठं वरक्षति। मूर्ख, दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं, मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवं अप्पमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। पमादं अप्पमादेन यदानुदति पंडितो पय्या पासाद मारुह्य अशोको सोकिनिं पजं पब्बतट्ठो व भूमट्ठे धीरो बाले अवेखति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वो शोक रहित
धीर मनुष्य दूसरे शोक ग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंवसीघसो हित्वायाति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अपमादेन मघवा देवानं सेठतंगतो अपमादं पसंसंति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अणुं थूलं दहं अग्गीव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्खु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ चलता है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अबभो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वो निर्वाण के समीप ही है। चित्तवग्गो फंदनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। वारिजो वथलेखितो ओकमूकत उभतो परिफंदतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जलाशय से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। दुन्निगहस्स लहुनो यत्थ काम निपातिनो चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावहं। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है साधु। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं चित्तं रखेय मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत निपुण जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। दूरंगमं एकचरं असरिरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे संति मोक्षन्ति मार बंधना। जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुही आशय चित्त का संयम करेंगे वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। अनवट्ठित चित्तस्य सद्धम्मं अविजानतो परिप्लव पसादस्य पय्यान परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। अनवस्सुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहिणस्य नत्थि जागरतो भयं। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं है।
कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेत मारं पय्यायुधेन जितं च रखे अनिवेशनोसिया। काया को मिट्टी की तरह नश्वर जान और चित्त को नगर की तरह सुरक्षित जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अचिरं वतयं कायो पठविं अधिशेषति शुद्धो अपेत वियाणो निरर्थं व कलिंगरं। अहो, ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काट की भांति भूमि पर जा पड़ेगा। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरी वापन वेरिनं मिच्छा पहिनितं चित्तं पापयोनं ततो करे। शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। नतं माता पिता कैरा अये वापी च यातका सम्मापणिहितं चित्तं सेयसोनं ततो करे। न माता न पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। पुप्फवग्गो कोइमं पठवी विजेसति यमलोकं च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? सेखो पठवी विजेसति यमलोकं च इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। सैक्ष ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा। चतुर सैक्ष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरिचि धम्मं अभिसंबुधानो छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे। इस काया को फेन के समान या मरु मरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़ यमराज के लिए अदर्शनीय बन जाओ। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगो मच्चु आदाय गच्छति। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं अतीतं एव कामेषु अंतको कुरुते वसं। राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। यथापि भमरो पुप्फं वर्ण गंधं अहेठयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनीचरे। जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुंचाए भौरा रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करे। न परे संग विलोमानि न परे संग कता कतं अत्तनो अवेखेय कतानि अकतानि च। न दूसरों के दोष न दूसरों के कृत अकृत को देखे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे। यथापि रुचिरं पुप्फं वर्णवंतं अगंधकं
एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार कथना अनुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथा पिरुचिरं पुष्पं वर्णवंतं सुगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति सकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथना अनुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। यथा पुफरा सिंहा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तबं कुसलं बहु। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वो बहुत से शुभ कर्मों का संचय करे। न पुफगंधो पटिवातमेति न चंदरं तगर मल्लिकावा सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बादिसा सप्पुरिसोपवाती। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदनं तगरं वापि उपलं अथवस्सिकी एते स गंध जातानं सील गंधो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी सुगंधियों से शील की सुगंध बढ़कर है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी योच सीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। ये जो तगर और चंदन की गंध है अल्पमात्र है, शीलवानों की उत्तम सुगंध देवताओं तक फैलती है। ते संग संपन्न शीलानं अपमाद विहारिनं सम्मदैया विमुत्तानं मारो मग्गं न विंदति। उन शील संपन्नों, निरालस विचरने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार रोक नहीं पाता। यथा संकार धानस्मिं उज्जितस्मिं महापथे पदुमं तत्थ जायेत सुचिगंधं मनोरमं। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महापथ पर फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा हो, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। बालवग्गो। दीघा जागरतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है, उसी प्रकार सद्धम्म को ना जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचरयं दलं कैरा नथि बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसे साथी को ना पाए, आदमी को चाहिए दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्तंगत्थि धनमत्थि इति बालो विहयति अत्ताहि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसा सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन।
यो बालो मय्यति बाल्यं पंडितो वापि तेनसो बालो च पंडितमानि सवे बालोति उच्यति। यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बीसु परसंयथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगत में रहे वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि च वियु पंडितं पैरुपासति क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसंयथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर भी पंडितों की संगत में रहे वो सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जान जाती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्ते नेव अत्तना करुन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्स अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे कर के पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्स पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। काम करना वो अच्छा है जिसके पीछे करके पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित होकर भोगना पड़े। मधुआ मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुसग्गेन बालो भुंजेथ भोजनं नसो संखत धम्मानं कलंग अग्धति सोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने भर केवल कुश की नोक से भी भोजन करे तो भी वो धम्म के जानकारों के सोलवें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं व मुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। याव देव अनत्थाय यत्त बालस्स जायति हन्ति बालस्स सुक्कसं मुद्धमस्सं विपातयं। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है वो सब उसके लिए ही अनर्थकारी होता है, उसकी मूर्धा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। असतं भावन मिच्छेय पुरेखारं च भिक्खुसु आवासेषु च इस्सरियं पूजं परकुलेषु च ममेव कतमयन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममेवातिवसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्स संकप्पो इच्छा मानो च वड्ढति। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है,
इस प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अय्या हि लाभ पनिसा अय्या निब्बान गामिनी एवमेतं अभियाय भिक्खु बुद्धस्य सावको सक्कारं नाभिनन्देय विवेकं अनुब्रुहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्खु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे। पंडित वग्गो निधीनं वपवत्तारं यं पश्ये वज्जदस्सिनं निग्गयवादी मेधावी तादिसं पंडितं भजे तादिसं भजमानस्य सेयो होति न पापियो। जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे हुए धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। ओव देयानुशासेय असभ्याच निवारे सतं हिसो पियो होति असतं होति अपियो। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वो सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत पुरुषों को अप्रिय। न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरी साधमे भजे त मित्ते कल्याणे भजे त पुरी सुत्तमे। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। धम्म पीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्नचित हो सुखपूर्वक सोता है। पंडित जन सदा आर्यों के बताए धम्म में रमण करते हैं। उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका हत्तानं दमयन्ति पंडिता। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी को नवाते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समींजन्ति पंडिता। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। यथापि रहदो गंभीरो विपसन्नो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपसीदन्ति पंडिता। पंडित जन धम्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्नचित्त होते हैं। सबत्थते सपुरिसा च जन्ति न काम कामान लपयन्ति संतो सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दस्यन्ति। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वो काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते, उन्हें चाहे दुख हो चाहे सुख, पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। न अत्तहेतु न परस्सहेतु न पुत्तमिच्छेन धनं न रट्ठं न इच्छेय अधम्मेन समिद्धिमत्तनो न सीलवा पैयवा धम्मिको सिवा। अधर्म से न अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान प्रज्ञावान और धार्मिक है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावती। जो पार पहुँचे हुए हैं वो तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी आदमी तो किनारे पर दौड़ते रहते हैं। ए चखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो
ते जना पार में संति मच्चुधेयं सुदुत्तरं। जो भली भांति स्पष्ट किए गए धम्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मृत्यु दुस्तर संसार को पार करेंगे। कन्नं धम्मं विपहाय सुक्कं भावेथ पंडितो ओका अनोकं आगम विवेके यत्थ दूरमं तत्राभिरतिमिच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदपेय अत्तानं चित्तक्लेशे हि पंडितो। पाप कर्म को छोड़कर पंडित जन शुभ कर्म करें, घर से बेघर हो जा एकांत में वास करें, काम भोगों को छोड़कर सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करें। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करें। एसं संबोधि अंगेसु सम्मा चित्तं सुभावितं आदान पटिनिस्सगे अनुपादाये रता खीणा सवा ज्यूतिमंतो ते लोके परिनिब्बुता। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत हैं, चित्त मैल से रहित ऐसे द्युतिमान ही लोक में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहंत वग्गो। गतद्धिनो विशोकस्स विपमुत्तस्स सब्बधी सब्बगंधपहीनस्स परिराहो न विज्जति। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां छीड़ हो गई हैं, उनके लिए परिताप नहीं। उयुञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसाव पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। एसं सन्निचयो नत्थि ये परियात भोजना सुयतो अनिमित्तो च विमोखो ये सगोचरो आकाशेव सकुंतानं गतिते संदुरन्नया। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सा सवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो सुयतो अनिमित्तो च विमोखो यस्स गोचरो आकाशेव सकुंतानं पदं तस्स दुरन्नयं। जिनके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सिन्द्रियानि समथंगतानि अस्सा यथा सारधिना सुदंता पहीनमानस्स अनासवस्स देवापितस्स पिहयतीतादिनो। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़ों की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी इस प्रहा करते हैं। पठवी समोन विरुज्झति इंदखीलूपमो तादी सुब्बतो रहदो अपेत कद्दमो संसारान भवन्ति तादिनो। इंद्रकील के समान अचल व्रतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी, उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रही सरोवर में। संतं तस्स मनं होति संता वाचा च कम्मच सम्मदैया विमुत्तस्स उपसंतस्स तादिनो। उपशांत ज्ञान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए
उस स्थिर चित्त पुरुष का मन शांत होता है, वाणी शांत होती है। असद्धो अकतयुच संधिच्छेदो चयो नरो हतावकासो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधनों को काट दिया है, जिसके पुनर्भव की गुंजाइश नहीं, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वारये निन्ने वा यदि वाथले यत्थारहंतो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा टीला, जहां अरहत रमण करते हैं वही भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थन रमति जनो वीतरागारमिस्संति नते काम गवेसिनो। रमणीय वन जहां लोग रमण नहीं करते, वहां वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वो काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। सहस्वगो सहस्मपिचे वाचा अनथ पद संहिता एकं अथ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। सहस्मपिचे गाथा अनथ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। योच गाथा सतं भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उससे एक धम्म पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं त्यजेय मत्तानं सवे संग्रामजुत्तमो। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और एक दूसरा अपने को जीत ले, ये दूसरा अपने को जीतने वाला ही सच्चा संग्राम विजयी है। अत्ता हवे जितं सेयो या चायं इतरा पजा अत्तदंतस्स पोषस्स निच्चं संयतचारिनो नेव देवो न गंधब्बो न मारो सह ब्रह्मणा जितं अपजितं कैरा तथा रूपस्स जंतुनो। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना ही श्रेष्ठ है। जिस आदमी ने अपने को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयम में रखता है, उस आदमी की जीत को न देवता न गंधर्व न ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में परिणत कर सकते हैं। मासे मासे सहस्येन यो यजेथ सतं समं एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सायेव पूजना सेयो यं चेवस्स सतं हुतं। एक व्यक्ति जो सहस्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्षों तक यज्ञ करे, और दूसरा किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के हवन से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यो च वस्स सतं जन्तु अग्निं परिचरे वने एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सायेव पूजनासेयो यं चेवस्स सतं हुतं। एक आदमी 100 वर्षों तक वन में अग्नि की परिचर्या करे
और दूसरा आदमी किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे। 100 वर्ष के यज्ञ से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यं किंची इट्ठं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेथ पुञ्यपेक्षो सब्बं पितं चतुभागमेति अभिवादना उज्जुगते सुसेयो। पुण्य की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे वो सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं होता। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। अभिवादन शीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वंढन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो वृद्धों के प्रति अभिवादनशील है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु वर्ण सुख तथा बल में वृद्धि होती है। यो च वससतं जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो सीलवंतस्स जायिनो। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे दुप्पयो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पय्यावंतस्स जायिनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे कुसीतो हीन वीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दृढं। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे अपस्सं उदयभयं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो उदयं भयं। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो अमतं पदं। अमृत पद निर्वाण को ना देखते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने से अमृत पद को देखते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे अपसं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो धम्ममुत्तमं। उत्तम धम्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धम्म की ओर ध्यान देते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। पापवग्गो। अभिथरेत कल्याणी पापा चित्तं निवारे दंधं हि करोति पुण्यं पापस्मिं रमति मनो। कल्याण कर्मों को करने में जल्दी करें, पाप से मन को हटाएं। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। पापं च पुरिसो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः नतं हि छन्दं कैराथ दुखो पापस्स उच्चयो। यदि पाप हो गया तो उसे पुनः पुनः ना करें, उसमें रत ना होवें। पाप का संचय दुख का कारण होता है। पुयं च पुरिसो कैरा कैराथेत पुनः पुनः तम्हि छंदं कैराथ सुखो पुयस्स उच्चयो। शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करें, उसमें रत होवें। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापोपि पस्सति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं
अथ पापो पापानि पश्यति। पापी को भी तब तक ही भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता, जब पाप फल देता है तो उसे भी बुरा लगता है। भद्रोपि पश्यति पाप।
Thank you.